तो वेलकम गाइस मेरे चैनल पर। तो आज हम डॉम्स पेंसिल और अप्सरा पेंसिल ड्रॉ करने। तो ये साइड में आप जो देख रहे हो मेरे खाने के लिए, मैं ड्राइंग करते वक्त कुछ भी खाता रहता हूँ, इस पर आप फोकस मत करो। तो आज मैं डॉम्स पेंसिल और अप्सरा पेंसिल में कंपेयर जो होता है उसके बारे में बताऊँगा। और मेरे सब्सक्राइबर ने कॉमेंट भी किया है दोनों पेंसिल से हाफ हाफ ड्राइंग बनाओ। तो पहले मैं डॉम्स पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा जो पूरा पैक का आता है 60 रुपीज़ और अप्सरा का आता है सिर्फ 40 रुपीज़। तो एक पेंसिल का अप्सरा का पड़ता है 5 रुपीज़ और एक पेंसिल डॉम्स का पड़ता है 10 रुपीज़। तो इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ। तो मेरे पास इससे इतने भी इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं परचेज करके आपको बता दूँगा। तो गाइस अभी मेरे पूरे 47 सब्सक्राइबर ही हुए, 5 मंथ्स हो गए, अभी 7 मंथ्स बाकी है। तो प्लीज़ मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो, अभी सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैंने 4 पेंसिलें ले ली और अप्सरा में मैं भी 4 पेंसिलें लूँगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे एकदम पहले मेरे वीडियो अपलोड किया हुआ है ट्यूटोरियल आई का, तब उसमें मैंने बताया हुआ है कि आई कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी टाइप से मैं अभी कंपेयर करूँगा दोनों के अंदर। तो अभी मैंने ये क्ले इरेजर से रब कर दिया है और फिर 2B पेंसिल से मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। पहले तो आउटलाइन बना लूँगा मैं पूरी ड्राइंग को और फिर हाफ आई बना के इसके अंदर सर्कल बना लूँगा और फिर पूरे डिटेलिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर शेडिंग और डार्कनेस दूँगा। तो आई की आउटलाइन तो बन गई है, इसके अंदर अभी सर्कल बनाऊंगा और सर्कल के अंदर जो डार्क पोर्शन होता है उसको भी मैं बनाऊंगा। तो अभी फास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाता हूँ। तो अभी मैंने एकदम आउटलाइन बना ली है और अभी पूरा एकदम शेडिंग करूंगा और पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और शेडिंग के लिए मैंने 8B पेंसिल को सैंड पेपर के ऊपर घिसा है चारकोल पाउडर के लिए। तो चारकोल पेंसिल है लेकिन वो शार्प होने में बहुत टाइम लगती है इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। तो अभी मैंने छोटे छोटे पोर्शन देने शुरू कर दिए और इसके अंदर जो डार्क पॉइंट होता है उसको मैं 8B पेंसिल से ही करूँगा। तो मैंने डार्क पोर्शन करना शुरू कर दिया 8B पेंसिल से, आप चाहो तो 6B पेंसिल से भी कर सकते हो। और अभी मैंने शेडिंग करनी भी स्टार्ट कर दी है चारकोल पाउडर से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सपोर्ट कर दो यार प्लीज़। तो अभी मैंने शेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है और आई के इधर साइड में रियलिस्टिक दिखने के लिए मैंने शेडिंग की दी है। और इसके ऊपर जो ट्रायंगल शेप में होता है उस तरीके से मैं आई के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, उसको बना रहा हूँ। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे शेडिंग करने के बाद। तो अभी मैंने थोड़ा रफ कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। और वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने और अभी चारकोल पाउडर से आई के ऊपर मैं शेडिंग कर रहा हूँ आईब्रो के लिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। तो अभी मैं आईब्रो बनाने वाला हूँ, पहले शेडिंग कर दूंगा मैं इसके ऊपर ये ब्लेंडिंग स्टम्प से चारकोल पाउडर्स के यूज़ से। आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप बोलेंगे कमेंट करोगे मुझे शेडिंग ट्रिक तो आपको मैं शेडिंग करने भी सिखाऊंगा। तो अभी आईब्रो को बनाएंगे, आईब्रो को मैं 6B और 8B पेंसिल से बना रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में 8B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा और लास्ट में 6B पेंसिल का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरा आई ट्यूटोरियल होने वाला है और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अप्सरा पेंसिल की ड्राइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयार रहूंगा। तो बाय बाय गाइस। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई डॉम्स से और ये अप्सरा की ड्राइंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।